शादी मुबारक की बात करें तो अपकमिंग एपिसोड में आप इस शो में कई बड़े ट्विस्ट देखने वाले हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बेटे और बहू की वजह से बार बार प्रीति को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई जब बेटे ने बिना पूछे माँ से उसका घर बेच दिया। जी हाँ, एक घर था माँ के पास बूंदी में, उस घर को उसने बेच दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपना मकान खरीद सके। ये बात प्रीति को मालूम नहीं थी और जब मालूम चलती है तो प्रीति बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि प्रीति को अब वहाँ जाकर रहना था। ऐसे में अब प्रीति का बेटा जो है वो कह रहा है अपनी माँ से कि माँ, ये तुम क्या नौटंकी लगा के रखी हो, तुम्हारा मेरा घर क्या, घर था मैंने बेच दिया और इस घर को लिया है, तो इस घर में भी तो तुमको रहना है ना, तुम इस घर में तो रह ही रही हो ना, और आत्मसम्मान की क्या रट लगा कर रखा है, आत्मसम्मान ये सब यहाँ नहीं चले, तुम्हें यहां से जाना है तो जाओ। और फिर प्रीति का जो बेटा है, प्रीति का हाथ खींचते हुए उसे बाहर निकाल देता है घर से। लेकिन अब जो प्रीति की बेटी जूही है वो प्रीति को अपने घर लेकर आती है। यहां प्रीति टूट चुकी है, प्रीति के आंखों में आंसू हैं, क्योंकि अब प्रीति के पास कुछ भी नहीं बचा है। प्रीति के पास जो कुछ था उसने अपने बेटी की शादी में लगा दी थी और जो बूंदी का घर था वो भी उसके बेटे ने बेच दिया है। देखना दिलचस्प होता है कि किस तरीके से प्रीति अपने लाइफ को आगे बढ़ाती है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाती है और कैसे अपने बेटे और बहू को एक करारा जवाब देती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सिन्हा की रिपोर्ट।